ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है कोलकाता से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये हम सब जानते हैं। किस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ रेप की वारदात की गई और उसके बाद हत्या कर दी गई। पूरे देश भर में इसको लेकर डॉक्टर्स में गुस्सा है, नर्सिंग स्टाफ में गुस्सा है, पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। ओपीडी आज बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी लगातार खबरें आई। विपक्ष भी, बंगाल में विपक्ष भी लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन इस बीच हो क्या रहा है? अभी हमने देखा कि कैसे बीजेपी ने इस मामले में ममता सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन किया था, लेकिन अब ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर आई है। जी हां, ममता बनर्जी ने आज प्रदर्शन किया। सोचिए, बंगाल में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है। ममता बनर्जी उस राज्य की मुख्यमंत्री है, लेकिन ममता बनर्जी कर रही हैं प्रदर्शन, और वो भी सड़क पर उतरकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रही हैं। कह रही हैं कि जो दोषी है उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा ममता बनर्जी और क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस मामले में उन्होंने, उनकी जो पुलिस है, इससे कल तक का समय दिया था, 17 तारीख का समय दिया था, और इस पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस से तलब की थी। तो ऐसे में जो जांच सीबीआई कर रही है, उस सीबीआई की जांच रिपोर्ट भी 17 तारीख को आ जानी चाहिए, ये ममता बनर्जी ने कहा है। छात्र छात्री देर कोनो दोष दिच्छी ना, बहिरागत किछु राजनैतिक लोक जारा बांग्लाय अशांति करते चान, बाम एवं राम तारा एकत्रित हुए ये गंडगोलटा करेछे। आमार सबचेये खराब लागछे कि जानेन, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी सोचिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होते हुए उन्हीं की सरकार है, वो खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं और क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि इस मामले में दोषी को फांसी होना चाहिए, प्रोटेस्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ आरोपियों को फांसी देने की मांग के साथ ही बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि अस्पताल में जो हिंसा हुई है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया था पहले, और उसके बाद अब ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। कोलकाता में देश भर के डॉक्टर्स कोलकाता मामले पर एक साथ आ खड़े हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। लगातार वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, डॉक्टर्स एकजुट हैं। बीते कल को क्या हुआ ये भी हमने देखा कि कैसा ये प्रदर्शन जो है कैसे उग्र होता चला गया। क्यों उग्र होता चला गया? ममता बनर्जी आज जब वो सड़क पर उतरी हैं, बीते कल क्या हुआ था? बीते कल स्थितियां बाहर हो गई थी हाथ से। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा कि ये जो तोड़फोड़ या हंगामा हुआ है, ये मामला जो है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगों पर सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। अब मांग क्या है, डॉक्टर्स की मांग क्या है? सबसे बड़ी मांग है राष्ट्रपति शासन की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पीड़िता को तत्काल न्याय मिलना चाहिए, ये मांग है। हत्याकांड की जांच के लिए सेंट्रल एजेंसी सीबीआई की नियुक्ति होना चाहिए, उन्होंने मांग की थी। डॉक्टर्स के लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है वो लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग पूरे देश भर के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी मांग यही है। सुरक्षा का ऑडिट होना चाहिए, सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता तत्काल होना चाहिए, उनको सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए जाने चाहिए डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज का इलाज करते हैं, हर परिस्थिति में इलाज करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या? वो जब किसी मरीज का इलाज करेंगे और उनकी सुरक्षा की बात आएगी तो फिर उस सुरक्षा को देखेगा कौन? अस्पताल में जो कैमरा लगा हुआ है, जो पूरी घटना हुई तो अस्पताल में जो कैमरा लगा हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप की वारदात हुई, हत्या हुई, उस मामले में पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया है, उसे लगातार पूछताछ चल ही रही है।
और ये मामला जांच में है। लेकिन इस मामले को लेकर ममता बनर्जी अब सीधे सीधे इसे बीजेपी से जोड़ रही हैं, खुद मुख्यमंत्री होते हुए प्रोटेस्ट कर रही हैं और साथ ही साथ ये मांग कर रही हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं फिर भी ये मांग कर रही हैं कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। एक चीज़ और सामने आई, जो आरोपी है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खुलासे सामने आए। कौन कौन से खुलासे सामने आए ये आपको हम बता रहे हैं। ये पता चला कि 2019 से संजय रॉय नाम का ये शख्स जो आरोपी है, ये कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसके बारे में बहुत खुलासे लगातार हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसने 3-4 शादियां की हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें सुबह 4 बजे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में वो दाखिल होता दिखाई भी दे रहा है। ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह उसने गले में पहन रखी, ये बात भी सामने आई। 40 मिनट के बाद जब वो निकला तो ईयरफोन यानी कि ब्लूटूथ जो था वो गायब मिला। डेड बॉडी जो मिली थी पीड़ित लड़की की, उसकी बॉडी के पास वही ब्लूटूथ मिला, ऐसा कहा जा रहा है। जांच में यह भी पता चला कि डिवाइस संजय रॉय के मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट थी। तो खुलासे लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस बीच इस पर एक नया सियासी रंग देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब इस मामले में खुद मुख्यमंत्री, खुद सत्ता संभालते हुए प्रदर्शन पर उतर आई हैं, बीजेपी को घेर रही हैं, बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा है। प्रधानमंत्री खुद इस बात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही हैं कोलकाता में हुई घटना के बाद।